हाय अदा। हेलो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, क्या कुछ प्लान्स है आपके? इस बार का न्यू ईयर कैसे आप बनाने वाले हो? वेल, ये पहला न्यू ईयर है जिसमें मेरा कोई प्लान नहीं है और पता नहीं, शायद लास्ट मिनट बन जाए, कल कहीं निकल जाऊँ मैं। बट यूजुअली एक प्लान होता है, जैसे लास्ट ईयर हैड अ ब्यूटिफुल न्यू ईयर, मैंने समिट किया था केदारकंदा ट्रैक का, फुल माउंटेन का समिट किया था, तो इट वॉज़ ब्यूटिफुल। और ये साल आई एक्चुअली डोंट हैव एनी प्लान बिकॉज आई थॉट मे बी द शूट इज़ गोना स्टार्ट एंड देन यू नो इट स्टार्टेड एंड देन नाउ आई एम गोना स्टार्ट शूटिंग लेटर। सो शायद कल जाऊँ, कहीं निकल जाऊँ। फिल साथी, हमेशा से आपके हर किरदार को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली नागिन। हमेशा हम देखते हैं, whether it's a school children's or whether it's college children, उन लोगों को हमेशा पता होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। क्या आप क्या कहना चाहोगे इस पे? इस बार नागिन 6 में क्या कुछ नया देखने मिलेगा सभी को? एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, आई डोंट नो के, मुझे लगा मे बी फॉर द फिनाले मैं आऊंगी, बट आई एम एक्चुअली कमिंग फॉर 10 एपिसोड्स। और एक बहुत ही जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो दे आर आस्किंग मी कि शीशा इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, क्या करने आ रही है, बिकॉज यू नो मैं हमेशा शीशा आती है, कभी अच्छे रूप में कभी बुरे रूप में, सो दैट सस्पेंस इज़ देयर कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड एक्साइटमेंट बहुत है, आई कैन सी, आई मीन आई एम गेटिंग सो मच लव एंड सवाल कि क्या हो रहा होने वाला है। सो आई टेल एवरीवन कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफकोर्स तेजा के साथ शूट कर रही हूँ तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। हम पहली, मतलब ऑफकोर्स खतरों के खिलाड़ी के बाद हम पहली बार कोई फिक्शन शो शूट कर रहे हैं, सो वी हैड फन। एंड शीशा का लुक भी अलग है और इस बार वो थोड़ा तड़का लगाने आई है नागिन में। साथ ही तेजा के साथ आपने कहा कि एक बार फिर मिलने मिल रहा है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस सेट का, जैसे ऑफ स्क्रीन मोमेंट अगर आप कुछ शेयर करें, क्योंकि बहुत से फैंस हैं जो हमेशा जानना चाहते हैं कि और भी क्या कुछ होता है। वेल, विद मी एंड तेजा इट्स ऑलवेज वी, हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं नॉन स्टॉप, दैट इज़ अस, एंड वी ईट अलॉट। एंड इस बार शूट पे हम ज़्यादा खा नहीं पाए बिकॉज बहुत उसके लिए भी हेक्टिक था एंड यू नो बहुत बैक टू बैक शूट्स थे, सो वी कुड नॉट लाइक ईट ईट। बट आई एम श्योर अभी जो आगे मेरे शूट है उसमें हम बहुत सारे ऑफ स्क्रीन मस्ती करने वाले हैं एंड आई विल ट्राई कि वो फैंस तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही अदा, अगर बात करें किरदार की, तो ऐसा कोई किरदार जो अब तक आपने ना निभाया हो और आप चाहती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ और इस किरदार में कुछ और भी अच्छा लोगों को पसंद आए मेरा ये किरदार, ऐसा कभी आपने सोचा है? आई थिंक हर एक्टर ग्रीडी होता है, वी वॉन्ट टू डू बेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस रोल दैट वी हैव डन एंड और अच्छा काम और अच्छा काम। सो यही मुझे भी उम्मीद है, इंशाल्लाह यू नो आने वाला साल मेरे लिए ऐसा कोई रोल लाए जो ऑडियंस और मुझे दोनों को बहुत अच्छा लगे, एंड आई जस्ट होप कि ऐसा हो। साथ ही जब जब फैशन की बात आती है तो आप किसे, लाइक किसका फैशन आप फॉलो करती है, क्या कुछ आपका एक स्टाइलिंग है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक मैं वो पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और व्हाट आई थिंक सूट्स मी, रादर देन यू नो बीइंग समवन एल्स और कॉपिंग समवन एल्स। आई फील यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड यू शुड मेंटेन दैट। आई फील मेरी अलग पर्सनैलिटी है और शायद किसी और की अलग पर्सनैलिटी है, एंड आई डोंट थिंक व्हाट शी वेयर्स वुड लुक गुड ऑन मी और नो। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन स्टाइल एंड योर ओन पर्सनैलिटी एज फार एज फैशन इज कंसर्न, जस्ट बी योर ओन सेल्फ। साथ ही जब जब रियलिटी शोज की बात आती है, ऐसा कोई रियलिटी शो जो आप चाहती है कि मुझे ये करना है और लोगों के भी अगर कमेंट्स हो कि हम आपको देखना चाहते हैं? मुझे एक रियलिटी शो करना था, वो था खतरों के खिलाड़ी, दैट वॉज माई ड्रीम, और मैंने वो रियलिटी शो कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ वो करके। उसके अलावा मे बी अ डांस रियलिटी शो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो ज़रूर करूँगी। एंड आई नो दैट ऑल माई फैंस वॉन्ट मी टू डू बिग बॉस, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट येट रेडी फॉर इट। क्या आप ये सीजन फॉलो कर रही हैं बिग बॉस 16? मैं ये सीजन फॉलो नहीं कर रही हूँ। आपकी कोई दोस्त है इस बार? नॉट रियली, बट मतलब आई नो टीना
और ऐसे एज बेस्ट फ्रेंड्स या कुछ वो नहीं है कोई भी बिग बॉस सीजन में इस सीज़न में, बट आई हैव हर्ड कि ये साल बहुत धमाल हो रहा है बिग बॉस में. टीना इज़ डूइंग वेरी वेल, अब्दो इज़ डूइंग वेरी वेल, और सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी यार. आई मीन आई एम जस्ट हियरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. टीना के लव रिलेशन के रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे आप? हाल ही में शालिन और टीना को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी. I have no idea about it, but अगर ये हो रहा है and they both are happy, then why not? My best wishes to them, यार. खुशी सबसे ज़्यादा important होती है, seriously. अगर साथ ही आपसे ये बात जानना चाहेंगे, हाल ही में हर कोई social media पे हर जगह हम देख रहे हैं तनिष्का शर्मा के बारे में. क्या कहना चाहोगे उस बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी ये बात सुन के सोच रहे कि इन सभी चीज़ों में करियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत आ रही है सुशांत के बाद, फिर बालिका वधु में भी मेल एक्ट्रेस थी उनका, उनके बारे में सुना गया. आपका क्या कहना है इसको? यू नो आई फील आजकल सबको लगता है इज़ दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ख़त्म हो गई दुनिया, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर ये थॉट किसी के दिमाग में भी आता है, आई वुड से कि सबसे पहले पेरेंट्स का सोचो, बिकॉज आई थिंक भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है पेरेंट्स, एंड आई थिंक उनका प्यार अनकंडीशनल होता है, और उनसे ज़्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता. एंड इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स, जस्ट थिंक कि उनका क्या होगा बिफोर डूइंग एनी सच थिंग. एंड लाइफ इज़, no one said life is easy, life is difficult and we have to fight and we have to fight and this is life. Kisi ki life aisi nahi hai jo problems nahi hai, everyone has problems, but I feel just if you can't stop yourself, think about your mother, your father, any one person which you feel loves you the most, and unka kya hoga tumhare baad. So just don't take any decision in anger and don't depend on someone else for your happiness. Just take life as it comes and you know that there is a light at the end of the tunnel. There will be something nice, and everyone goes through mess, but we all come out of it. And I would just tell everyone, never ever even think of something like this, because jisko sabse zyada pain hota hai wo hamari family hoti hai, and just never, just fight whatever it is, but never. My heart goes out to the mother, the family, the friends, everyone, and I'm really sorry about whatever happened, but I would just tell everyone, never do something like that. Be brave, be brave. साथ ही अगर अगर पूछा जाए, जैसे कि हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, अगर बचपन की अगर कोई यादें अगर आप शेयर करो, बचपन के वो दिन होते हैं जो वापस ना आते, नहीं आते हैं, लेकिन अगर कुछ मेमोरीज अगर शेयर करना चाहोगे बचपन की यादें फॉर न्यू ईयर्स? बचपन में स्कूल में तो हमें क्रिसमस के बाद छुट्टियाँ मिल जाती थी. आई जस्ट रिमेंबर क्रिसमस पार्टीज दैट आई यूज़ टू गेट इन स्कूल, एंड सांता यूज़ टू कम एंड यू नो हमें चॉकलेट्स देते थे, एंड वी शुड रियली हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम. बट न्यू ईयर्स में ऑफ कोर्स हम फैमिली के साथ ही रहते थे, बिकॉज वी वर किड्स एंड यू हैव टू लाइक बी विद. एंड आई रिमेंबर सेलिब्रेटिंग विद माई मॉम एंड डैड एंड यू नो माई ब्रदर्स, एंड टीवी देखते थे हम ऑब्वियसली, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी शोज आते थे फॉर न्यू ईयर्स, एंड यू नो दे जस्ट काउंट डाउन ऑन द टीवी, एंड वी यूज़ टू हैव अ ग्रेट टाइम. सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज़ द बेस्ट मेमोरी, सेलिब्रेटिंग विद माय ओन फैमिली. साथ ही नया साल शुरू हो रहा है 2023. जी, क्या कुछ नए सरप्राइजेस आप देंगी अपनी फैंस को, कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर शेयर करना चाहूँ? यार अब तो मुझे भी नहीं पता क्या सरप्राइज़, मुझे खुद को सरप्राइज़ मिला है नागिन से, सो आई एम गिविंग दैट सरप्राइज़ टू माय फैंस. बट इंशाल्लाह यू नो बातें चल रही है काफ़ी जगह, एंड अगर कुछ होता है इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट, इफ आई साइन, डेफिनेटली यू गाइज आर गोना कम टू नो बिफोर मी, सो बिफोर मी सेइंग इट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड. हर साल हम नागिन में देखते हैं कि बिग बॉस के कोई एक कंटेस्टेंट जरूर होते हैं, तो इस बार अंकित गुप्ता का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, क्या लगता है वो होंगे? आई डोंट नो यार, मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, बट हो गए तो वेरी गुड, बट आई रियली डोंट नो. लास्टली नए साल के लिए कुछ विशेस सभी फैंस को? वेल मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।